अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं इशफाक इसहाक सिद्दी। और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज मदीहा नकवी के इस जो आप वेलकम करती हैं उसके बाद मजीद अच्छा हो गया होगा। मदीहा, और अल्फाज आप इंटरप्रेट करना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल और अल्फाज आपके आने से पहले, मैं इससे पहले बहुत पहले मैं शेर भी सुना देती थी, मैं गाना भी गा देती, मैं सब कुछ कर देती थी, लेकिन उसके बाद आप एक पक्की शक्ल बना के बैठ जाते हैं। आपने मुझे क्यों छेड़ा इससे पहले कि मैं आपको धक्का दे के वहाँ तक पहुँचा दूँ? क्यों ये आपकी क्यों आदत है? आप में आप आजकल कौन सा शो देख रहे हैं जिसमें आप इतने एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं? आपको पता है कौन सा शो देख रहे हैं? लेकिन उस शो के आपके ऊपर असरात कैसे पड़ रहे हैं वैसे? अरे मेरे पे असरात किसी शो के ऐसे नहीं पड़ते। हाँ, मेरे पे कोई असरात ऐसे नहीं पड़ते। अच्छा, आज भी एक बहुत जबरदस्त शो होने वाला है और ये शो होगा, आपको मालूम ही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। और कीवीज देखें, आज तक उन्होंने आगे क्वालिफाई नहीं किया, तो देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। और इंग्लैंड वालों के लिए तो तीन दफा हो चुका है ना, हो चुका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंग्लैंड को आगे जाना चाहिए क्योंकि कीवीज से तो हमने बदला ले लिया। ये मेरा एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस सूरत में ये है कि अगर कीवीज हार जाएंगे तो इंग्लैंड से हो सकता है आगे हमारा आमना सामना हो जाए जब हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। कल आपको याद है कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, आएगी, और उसके बाद ही टीम पेन का बयान आ गया कि सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, उनकी कमर में पेन शुरू हो गया अचानक, नाम ही उनका ऐसा है, तो ये जो है उसके बाद मुझे अचानक उनसे चिढ़ फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं यार, उनको सेमीफाइनल में वो हूँ और फाइनल में फिर इंग्लैंड आए हमारे सामने। चलें जी देखते हैं कौन आता है हमारे साथ। खैर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और अब तो ना डू एंड डाई वाली सारी सिचुएशन हो गई है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की और खुदा ना खास्ता कुछ एक छोटी भी गलती हो सकती है तो हमें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन पहले टॉप स्टोरी। आठ विकेट पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली के जारहाना अंदाज की दुनिया दीवानी, आईसीसी ने अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। रोटेशन पॉलिसी पर अमल, मुल्क में पुलिस अफसरान के तबादले, कई अफसरान लंबे अरसे से एक ही सूबे में तायुनात थे। वजीर आजम का नाजिम जोखियो फहमीदा सियाल कत्ल केस का नोटिस, जेआईटी तश्कील देने का फैसला, तहकीकात में रुकावट डाली जा रही है, वजीर आजम को गवर्नर सिंह की ब्रीफिंग। मोटापा दिल और ज्यादतीस की बीमारियों की बड़ी वजह है, पाकिस्तान की 75% आबादी मोटापे का शिकार है, 1 करोड़ से जायद बच्चे भी शामिल हैं। जी तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कुछ अहम पोजीशंस के तबादलों के हवाले से, और ये जो अहम तबादले हुए हैं ये हुए हैं सीनियर पुलिस अफसरान के। विफाक ने तबादले रोटेशन पॉलिसी के तहत किए हैं और वजीर आजम ने क्योंकि रोटेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने के अहकाम भी दिए थे जिसके बाद अब ये तबादले किए गए हैं। अच्छा, ज़राए ये कहते हैं कि सिंध में जो बाज़ अफसरान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई करीब समझे जाते थे, बाज़ अफसरान का असर व रसूख भी बहुत ज़्यादा था और सिंध पुलिस के तमाम अहम डीआईजी का दूसरे सूबे में तबादला इसी वजह से किया गया, क्योंकि देखिए रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक जगह जहाँ पे जमे रहते हैं फिर वहाँ पे फोर्स फिर आपकी शाही भी बनती चली जाती है। अच्छा, लेकिन पंजाब के हिसाब से गालिबन फार्मूला चेंज है क्योंकि वहाँ पर तो हमने देखा कि 2-2.5 साल में कोई 6-7 आईजी चेंज हो गए और चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, तो बहरहाल दूसरे सूबों को भी उसकी आदत डाली जा रही है। और वैसे तो कहा जाता है एक रूल ये मौजूद है कि किसी सीनियर पोजीशन अगर हो जैसे कि आईजी या किसी चीफ सेक्रेटरी की तो 3 साल तक कम अज कम उस पर उसकी तैनाती का टेन्योर होता है और अगर उसको हटाया जाता है तो दे मस्ट गिव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट। लेकिन उसके बावजूद वो होता रहा। अब ये जो तबादले किए गए हैं, कहा ये जा रहा है कि चूंकि पीपल्स पार्टी के करीब अफसरान थे। अच्छा, दो इसके अंदर मंतक हैं, एक तो ये है कि रोटेशन पॉलिसी जैसी भी हो उस पर मिनवान अमल होना चाहिए, और दूसरा ये है कि या फिर किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की वजह से या कुर्बत की वजह से, जाहिर है एक जगह पत्थर भी पड़ा रहे तो भारी हो जाता है। चले अच्छा, कुछ आम इम्पोर्टेंट नाम है जो कभी नाज़िम के साथ शेयर भी करते चलें कि डीआईजी मकसूद अहमद की खिदमात जो हैं वो हुकूमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। मकसूद अहमद कई साल से स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की सरबराही कर रहे थे। नईम अहमद शेख की खिदमात भी हुकूमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। नईम अहमद शेख बतौर डीआईजी स्पेशल ब्रांच खिदमात अपनी अंजाम दे रहे थे। साकिब इस्माइल मेमन साहब
इनकी खिदमात भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दी गई हैं। साकिब इस्माइल बतौर DIG ईस्ट खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, वो तवील अरसे से सिंध में तैनात थे। DIG नुमान सिद्दीकी का तबादला भी खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया है। नुमान सिद्दीकी DIG CIA के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। जावेद अकबर रियाज इनको इनका जो तबादला हुआ है पंजाब में, और अब्दुल्ला शेख का तबादला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा पे। तो काफी बड़े बड़े नाम हैं जो काफी अरसे से सिंध में सर्व कर रहे थे। और इसकी क्या वजह है, क्यों हुआ है ये सब कुछ, इस पर बात कर लेते हैं। जराइम की दुनिया पर नजर रखने वाले नजीर शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो नजीर भाई, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रोटेशन पॉलिसी, वैसे तो ये एक रूटीन के ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, और इसके ऊपर 2018 को एक लेटर निकला था जिसमें सिंध पुलिस के तकरीबन 21 सिंध पुलिस के तकरीबन 21 मुलाजमीन थे जिनके तबादले 2018 में किए जाने थे, लेकिन वो हो नहीं सके थे। तो 3 साल से तो ये वैसे ही पेंडिंग में थे। इससे कबल जो 4 पुलिस अफसरान के तबादले किए गए जो अहम सीटों पर थे, जिसपे इरफान बलोच जिनको अभी इस्लामाबाद तैनात किया गया है, और फिदा हुसैन मस्तोई, इकबाल दारा और मुनीर शेख हैं, इनके तबादले तो दूसरे सूबों में कर दिए गए। लेकिन इनके तबादले होने के बाद जिन सीटों पर ये तैनात थे उन पर अभी तक कोई तकरीरी नहीं हो सकी है। ये सिंध पुलिस के लिए तो नुकसान इतना हो या नहीं, लेकिन आवाम के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो मुनीर शेख है वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में थे, और जो इरफान बलोच थे वो शहीद बेनजीराबाद, मतलब इस तरह मुख्तलिफ पोस्टों पर ही अपने अहम अहदों पर काम कर रहे थे। अब जो ये 8 मजीद ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, मतलब इनकी खिदमात दूसरे, शाहिद हामिद को भी हमने देखा है कि उनको बलोचिस्तान में कर दिया गया है। उमर शाहिद हामिद इंतहाई अहम सीट पर थे, DIG CTD जो जो सेक्टेरियन या टेररिज्म इसके खिलाफ करना, उसके आने के बाद उन्होंने काफी अच्छा काम किया उमर शाहिद हामिद ने इसी तरह। लेकिन इनके जो तबादलों के हमारे पास जो मुद्दत मुलाजमत है, तो सबसे पहला नाम जैसा था कि मकसूद अहमद, तो जो SSU के सरबराही भी कर रहे हैं, 1/5 भी उनके मातहत आता है, 1/5 मददगार को और SSU को समझे कि जदीद खतूत पर सवार करने में उनका बड़ा हाथ है, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है 15 साल से ज़ायद है। सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा जो मुद्दत मुलाजमत वाले थे वो जावेद आलम ओढो थे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 21 साल थी। अच्छा। सिंध पुलिस में वो सिर्फ 21 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनका पिछले इससे पहले काफ़ी पहले तकरीबन 2 साल पहले उनका तबादला हो गया था। अच्छा। जो नईम शेख हैं ये 15.5 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साकिब इस्माइल मेमन को 18 साल होने वाले हैं, DIG नुमान सिद्दीकी को भी 18 साल हो गए हैं, जावेद अकबर रियाज को 17.5 साल हो चुके हैं, अब्दुल्ला शेख को 15 साल 6 माह हो चुके हैं। इससे पहले जो इरफान बलोच के तबादला किया गया उनको 17 साल हो चुके थे सिंध में ही, सिंध में, सिर्फ सिंध में। ओके, देखिए पॉलिसी तो ये कि 10 साल के बाद इनको दूसरे सूबों में भेजा जाता है। कितनी मुद्दत के लिए? वो उसकी मुद्दत होती है, आप भले 2 साल अपना वहां पर आप 2 साल भी करके आए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो ना कि दूसरे सूबों में काम किस तरह से वो करने के बाद आप भले यहाँ पर आकर दोबारा 10 साल गुजार ले, लेकिन आपको एक मरतबा रोटेशन पॉलिसी के तहत आपका तबादला करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे कबल जो 2018 में इनकी जो लिस्टें तैयार की गई थी तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, और अभी भी ये जो 4 अफसरान का जो तबादला हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि फिदा मस्तोई, इकबाल दारा, इरफान बलोच और ये मुनीर शेख, तो इनकी जानिब से अदालत से रुजू किया गया था, जिसकी वजह से अदालत में मौकफ क्या इख्तियार किया था? अदालत में मौकफ जो सिंध सरकार थी उनका ये कहना था कि ये अहम अहदों पर तैनात हैं और ये जो काम कर रहे हैं अगर इनको हटाया जाएगा तो ये जो जगह मुतासिर होंगी। अच्छा। लेकिन अदालत ने उसको रिफ्यूज किया, जिसके बाद इन 4 के तबादले कर दिए गए। अच्छा, ये वैलिड रीजन था, वजह ये है कि इदारे जो होते हैं वो शख्सियत के तौर तहत नहीं चलते, वो एक उनके अंदर प्रोसीजर चलता रहना चाहिए और यही कामयाबी की जमानत होता है। ये नहीं की एक शख्सियत है तो उसकी वजह से आप सबको जो है वो देखे। मैं इसको अपनी सीट के ऊपर थोड़ा सा मिसाल दूंगा कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं चला जाऊंगा तो शाम को सलमान आ जाएगा, फिर वो चल जाएगा, तो सीट वही रहेगी लेकिन काम करने वाले तब्दील होंगे, तो उससे कोई भी काम मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आएगा उसको पता होगा कि मेरा हाँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क मैं इस तौर पे कहूंगा कि अक्सर आप देखते हैं कहा जाता है कि सिंध से बुलाकर एक इंस्पेक्टर को कराची की किसी जगह SHO लगा दिया जाता है, ना उसे गली का पता होता है ना मोहल्ले का, तो वो क्राइम पे वैसे कंट्रोल नहीं पा सकता जैसे कराची का कोई SHO नहीं, लेकिन उसके अंदर अडॉप्ट करने में इसी तरह टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस वक्त जो है ना हम जिस तरह इस पोजिशन में नहीं है
कि जाकर किसी नए मुलाजिम को लगाएं, लेकिन रोटेशन पॉलिसी जो है कानून है और इसके तहत करना जरूरी होता है। क्यों तासुर आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो रोटेशन अफसरान की हुए वो सिंध से हुई है, सिंध से लोग बाहर गए, और साथ में बताएगा क्या ये ऑलरेडी प्लान था या इनका नाम ऑलरेडी वाज ऑन द कार्ड्स या एकदम से डिसाइड हुआ? देखिए इसमें तो मजीद नाम भी है अभी जो हमारे पास मौजूद है वो नाम भी, लेकिन उनके तबादले थर्ड फेज में होंगे। ये सेकेंड फेज है, पहले फेज में वो चार हुए, सेकेंड में ये आठ हुए, तो ये 12 अब तक आपके हो चुके हैं। थर्ड फेज में आपके मजीद होंगे, उसके बाद 19 के होंगे। अभी तो डीआईजीज के हुए ना, अब एसएसपीज के भी होंगे रोटेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन जो इनसाइड जो हमारे जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि इसके अंदर मेजोरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के और सिंध सरकार के साथ अटैच है। ठीक है, इनको फिलिंग अच्छा करने जरूरी के लिए नहीं है कि सारे सिंध सरकार के साथ अटैच है। इसमें ऐसे भी हैं जो पुलिस के जो बाला हुकाम है वो उनकी आशीर्वाद पर काम कर रहे हैं, कुछ है जो सिंध सरकार की, लेकिन ये जितनी भी पोस्ट हैं कोई एक पोस्ट भी इसके अंदर ऐसी नहीं है जो वजीर अला सिंध की मंजूरी के बगैर इनको कहीं भी तैनात किया जा सके। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर कुछ और अफसरान भी जिनके अभी तबादले होने और उन वो इतने अहम अफसरान हैं सिंध सरकार के इतने लाडले कि वो आईजी और एडिशनल आईजी की बात भी नहीं सुनते। तो ऐसे भी यहाँ पर कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन यू जब ये रोटेशन पॉलिसी की तरह ये तबादले होंगे तो यकीनन जब निजाम चेंज होगा तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। फर्क अच्छे वे में आना चाहिए, ना कि उससे अवाम मुतासिर हो ना कोई काम मुतासिर। एक तरीके से बहुत ज्यादा सफर भी किया है, तो अल्लाह करे कि जो अब इनको फिल इन करने के लिए जो तबादले हों वो भी ऐसे तबादले हों कि अवाम भी उनसे काफी ज्यादा खुश हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम देखें कि जो अवाम तक जो है उसका जरूर एक इफेक्ट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी नजीशा, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कुछ अहम तबादलों के हवाले से जो कि किए गए हैं। और अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज जनाब होने जा रहा है पहला सेमीफाइनल, और जो पहला सेमीफाइनल है ये होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। सो सती क्या लगता है कि आज का ये जो मुकाबला है जो बड़ा पड़ाव पड़ने वाला है इसमें जीतेगा कौन? भाई देखें वो बात ये है कि प्रेडिक्शंस के हवाले से तो अभी जाहिर है कि ये ज्योतिषियों का काम है और जाहिर है कि, लेकिन मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि चूंकि हमारे हम में जो बदले की आग जो है वो इस तरह से जल रही है बुरी तरह से, तो हम चाहते हैं कि चूंकि इंग्लैंड ने हमारे साथ जो किया, देखें बात ये है कि कीवीज ने जो किया उनका तो हमने बदला चुका था, ठीक है, उसके बाद कीवीज को देखते देखते जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया तो उसका हमें बदला देना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है हम बदला भी इतनी दफा कह रहे हैं कि हमारी टीम को भी आदत ही कहीं ना हो जाए, हमें भी आदत ना हो जाए कि अनलेस और अनटिल किसी से बदला ही नहीं लेना तभी से मैच जीतना हो। ये हमें वैसे भी मैच जीतना है। मसला ये है कि पाकिस्तान, जहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर क्रिकेट पे हुक्मरानी है बिग थ्री की, ठीक है, ज्यादातर फैसले उनकी एमा पे होते हैं, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जिस जगह लाए करते हैं तो उनके साथ अक्सर नाइंसाफियां होती रहती हैं, तो ये बदले का ओकेजन या मौके हमारे लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हम रहेगा, लेकिन उसके बावजूद हमें अब बहुत सारी जगहों पे ये भी देखना है कि हर जगह बदले का मार्जिन नहीं होता, बट गेम आपकी अच्छी होनी चाहिए। नो इफ यू आर विनिंग, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू तो फिर व्हाई नॉट, ये ना हो कि फिर हाँ, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना चाहिए क्या ग्राउंड में दूसरी तरह से घूरियां डाल के भी बदला लेना शुरू कर। बिल्कुल जी, अच्छा एक तो ये आज की सूरत हाल, कल इंशाल्लाह जो सेमीफाइनल होगा वो होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और समहाउ कल का सेमीफाइनल लेके इतनी एग्जाइटी है कि क्योंकि अब आपके पास ना छोटी सी गलती का मार्जिन नहीं है, जरा सी आपने गलती की और आप बिल्कुल लीग से आउट हो जाएंगे। तो अल्लाह करे पाकिस्तान का जीत का टेम्पो बरकरार है। हमारे साथ मौजूद हैं यूएई से हमारे नुमाइंदे खसूसी बराए स्पोर्ट्स शाहिद हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगु करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हाशमी साहब, बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद कहते हैं। हाशमी साहब आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है क्योंकि आज पता चलेगा कि पहली टीम कौन सी ऐसी है जो फाइनल में कदम रखने जा रही है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है ये बताइए। शुक्रिया, बहुत बहुत दिल चाहता है कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, और वैसे अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जीतेगी। न्यूजीलैंड की टीम पिछले दो वर्ल्ड कप में 50 ओवर के 2015 के 2019 के फाइनल में हार गई, लेकिन वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत, तो उनका जो डेडलॉक था वो ब्रेक हो गया है और उनकी टीम में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है। इंग्लैंड को दो धचके लगे इस टूर्नामेंट में, एक जेसन रॉय उनके इंजर्ड हो गए, एक टाइमल मिल्स इंजर्ड हो गए जो उनके फास्ट बॉलर है, तो इंग्लैंड थोड़ा सा दबा महसूस कर रहा है, लेकिन अच्छा एक सेमीफाइनल होगा और
देखें जो टीम अच्छा खेलेगी जाहिर है वो जीतेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम मुझे थोड़ा सा उनको एज लग रहा है मिलने वाली है, और जब वो फाइनल में पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हम भी फाइनल में पहुंचेंगे तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए थे भाई। नहीं सर, बात यह है कि उनसे तो चलें फिर भी किसी हद तक हमने बदला ले लिया ना, मेरा नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ था, मैं चाह रहा था ये जीत जाए यहाँ पर इंग्लैंड वाले और फिर फाइनल में हमारा इनसे आमना सामना हो, फिर हमसे ये सवाल पूछें और 1992 वाला कहानी रिपीट करें। इंग्लैंड ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है लेकिन इंग्लैंड वाले फिर 1992 का बदला भी ले सकते हैं। तो, और हाशमी सर जितनी अच्छी इंग्लैंड की टीम है, मैं कब से ही दुआ कर रही, मैंने कहा न्यूजीलैंड को तो हमने हरा दिया, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स है ना वो समहाउ हमसे ऐसा फील होता है प्रेशर में भी है, तो बस है कि बस इंग्लैंड आज हार जाए ताकि न्यूजीलैंड हमारे साथ आए फाइनल में, कितने पक्के हैं ना कि फाइनल में जाएंगे। मेरी भी यही विश है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और कल रमीज राजन ने जो पीसीबी के नए चेयरमैन है फॉर्मर कैप्टन है बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि देखिए जब तक हम टॉप टीमों से नहीं जीतेंगे दुनिया हमें लिफ्ट नहीं कराएगी। हमने जीतना शुरू किया, हम अभी सेमीफाइनल में आए कि इंग्लैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव उड़कर पाकिस्तान आए, उन्होंने बात की वो एग्री हो गए कि जी हाँ ये जो दो पोस्टपोन हुए थे T20 हम अगले साल जो टूर पर हम आएंगे आपके पास दो दफा उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं और खेलेंगे, और बड़ा माजरत फहाना उनका रवैया था, आप अच्छे होंगे आप टॉप पे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के तो स्पॉन्सर्स भी आपके पीछे भागेंगे और स्पॉन्सर पूछेंगे कि भाई इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे आप, इंशाल्लाह देखेंगे आपके थोड़े अरसे में IPL के स्पॉन्सर IPL के ब्रॉडकास्टर भी पूछेंगे कि यार वर्ल्ड चैंपियन जो है T20 के उनका कोई प्लेयर आप IPL में नहीं बुलाते, बुलाना शुरू करें। अच्छा एक और चीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कल आप शेड्यूल डिस्कस कर रहे थे उसके बाद टिम पेन का जो बयान आया था और उनको तकालीफ मुख्तलिफ नौयत की शुरू हो गई हैं, अपने आप को छोड़ के दूसरे खिलाड़ियों के हवाले से रिजर्वेशंस भी वो शेयर कर रहे थे, उस पे नुक्ता नजर क्या है आपका? लेकिन टीम पेन नाम ही ऐसा है कि पेन उसको होना ही था कि क्यों हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हालांकि वो 2017 में आ चुके हैं कि वर्ल्ड 11 जो आई थी पाकिस्तान में 2017 में उसके एक रुकन थे, वो सिक्योरिटी पर इत्मीनान का भी इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, ऊपर हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे, हर 5 किलोमीटर पे रोड बंद था, हर किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए थे, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा सिक्योरिटी, लेकिन अननर्विंग था, थोड़ा परेशान कुन था सिक्योरिटी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इस चीज का तसव्वुर नहीं है इतनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा इसलिए कि वो 1998 से नहीं आया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा और पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त मौके इख्तियार किया कि अगर तुम नहीं आओगे तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है, हम तुमसे खेलेंगे जबरदस्त, और पाकिस्तान अल्लाह करे मुसलसल जीतता रहे ताकि पाकिस्तान का जो है ना वो उनपे प्रेशर मजीद बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया जी, शायद आशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, असल में उनको वाकई इज्जत इतनी दे रहे थे ना कि उनसे भी हजम नहीं होती, हमारे अपने मुल्क में नहीं होती जितने पाकिस्तान में मिल जाती है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ T20 पे नहीं बल्कि जो वन डेज हैं और जो टेस्ट मैचेस हैं उन पर भी हमारी कामयाबियों को इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहां पर भी हमें झंडे गाड़ने होंगे वरना तभी हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे एज नंबर वन टीम। अच्छा जो अच्छी परफॉर्मेंस है इसको तो आप इज्जत दें, जैसे हमने देखा है कि आसिफ अली जिन्होंने क्या चौके छक्के मार के जो बॉलर्स था उनका भुरकस निकाल दिया, जारहाना जो उनका अंदाज जारहाना अंदाज था, तो आईसीसी मेरे जारहाना अंदाज पे मुझे क्रिटिसिज्म कर दिया आप को कीड़ा जा रहा ना मेरे को सुनना लमी अशफाक। अच्छा जी बात ये है कि जी अब मतलब कहां आसिफ अली की बात करें कहां इस आदमी को ये याद आ रहे थे, तो उनको जी आईसीसी की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ का जनाब टाइटल मिल गया है। और बिल्कुल जी ही डिजर्वड इट, और जिस तरीके से कीवीज के खिलाफ मैच में और उसके बाद आगे अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या शानदार परफॉर्म किया था, न्यूजीलैंड के लिए भी कीवीज के खिलाफ बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही और कल स्पेसिफिकली हम सुन रहे थे आप ये देखिए आप दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस देख रहे हो, स्पेसिफिकली मैं शुएब मलिक का भी देख रही थी कि जब टीम वाज अनाउंस्ड व्हेन द स्क्वाड वाज अनाउंस्ड ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, सो बता रहे थे कैरेबियन लीग भी खेल रहे थे, ही वाज डिसहार्टेड लेकिन समहाउ जिन्होंने टीम में आना था वो आए भाई। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि आसिफ अली को बल्कि शोएब मलिक को जिस तरह से चांस मिला था जस्ट रिमेंबर वही हां जी, देखिए प्लीज कीप इन माइंड कि ये एक गेम है, इसमें एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी हारेगी, एक टीम जीतेगी एक टीम जो है वापस अपने घर को जाएगी। इंडिया ने क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से वो जितने तकब्बुर में आके गुरूर में आके मुसलसल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, मौका मौका की बात कर रहे थे, उनको एक मौका भी नहीं मिला उनकी अपनी डल परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा ठीक है एक दिन हो जाती है तनकीद, दो दिन हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं समा सत्य इंडियन मीडिया और वहाँ के लोग बख्श नहीं रहे अपनी टीम को। अच्छा बख्श नहीं रहे, और दूसरा ये है कि एक टीवी चैनल में देख रहा था, कभी कभार आप अगर मूड आपका ठीक ना हो तो अगर आप कोई इंडियन चैनल कहीं पे लगा के देख लें तो आपकी आपको खासी एंटरटेनमेंट इस तरह की मिलती है कि आप सोचते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं वहां पर बैठे हुए, वो किस चीज पे तबसरा कर रहे थे
कि भारत ने न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने हराया फलाने को, उसने फलाने को हराया और उसके बाद जो है वह अब रन रेट की जो जंग में भारत ने सबको पिछाड़ दिया है, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया, न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ तो दिया, जो कुछ रहेगा बात वो उन्होंने कहा भागते चोर की लंगूटी ही सही। तो बहरहाल लेकिन क्या पूरी सूरत हाल रही, इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन हमें करना जरूरी है कि ये जो 16 करोड़ 70 लाख का हम फिगर दे रहे हैं, दे मस्ट बी द टीवी सेट्स, क्योंकि लोग तो अक्सर स्क्रीनिंग एक स्क्रीन के सामने 50-50 बैठे होते हैं। पाकिस्तान की आबादी देख लें, इंडिया की आबादी देख लें, ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 16 करोड़ लोगों ने देखा। दिल तो टूटे ही, ये नहीं पता सर कितने फटे होंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मुबारकबाद देना चाहेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई को, जो कि कल के दिन निकाह में बन गई हैं और उनका निकाह हुआ है यासिर मलिक से, जो कि ऑलरेडी क्रिकेट के लिए काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान पीसीबी से काम कर रहे हैं। और कल मलाला ने बहुत ही प्यारी पोस्ट की, असर माफ कीजिएगा, जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी तो कल मलाला ने ट्वीट भी किया, हाँ ट्वीट भी की, इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट भी की। अच्छा, और इसमें मलाला ने पिक्चर्स बहुत प्यारी है, इनके घर की पिक्चर्स है, बड़े कम लोग थे और बड़े कम लोगों की मौजूदगी में जी। और उनके वालिद साहब ने भी इजहार तशक्कुर किया है, उनकी साहबजादी का निकाह हुआ और देखें जबरदस्त तरीके से और सादगी से ये निकाह की तकरीब हुई। और असर पीसीबी का हिस्सा है जी, बिल्कुल जी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस जनरल मैनेजर भी है बर्मिंगम में। सो छोटी सी तकरीब हुई मलाला के घर में, जो कि है इस वक्त बर्मिंगम में, और कल बड़े कम लोग आए, और कल मलाला ने एक पिक्चर अपनी ट्वीट भी की और साथ में उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर डाली कि मैंने और असर ने आज निकाह के बंधन में, हाँ वो बंध गए, घर वाले शरीक हुए हैं, साथ में उन्होंने लोगों से उनसे दुआओं का भी उन्होंने कहा, अपील की है कि सबकी दुआओं की जरूरत है और आइंदा जिंदगी में सफर के लिए पुरजोश है। वैसे आई लव द पिक्चर्स, क्योंकि फॉल का टाइम और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सारे पत्ते हैं वो जो है सारे ऑलरेडी लाल हुए हैं, लिबास से मिलते जुलते, वो लिबास से मिलते जुलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम इन यूके और इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू गेट मैरिड एंड इट्स अ ब्यूटी टू गेट पिक्चर एज वेल। तो बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। चले जी आगे जरा बढ़ते हैं और जरा सियासी पिक्चर के हवाले से बात करते हैं, जो वो हमारा फेवरेट टॉपिक जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी का फॉल चल रहा है, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, हुआ कुछ है कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का हुआ एक अहम इजलास, जिसमें अपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया है। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी और सलामती की सूरत हाल का इसमें जायजा भी लिया गया है, और जहाँ महंगाई की सूरत हाल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मामला ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा पीछे चला गया, उस हवाले से भी बात कर लेंगे, क्योंकि सत्य हमारे पास अब टाइम बहुत जरा कम रह गया, अब 2 साल का टाइम रह गया। Seems next to impossible. मदिया याद है आपको जब वो हम बात कर रहे थे कि 35 एतराजात और उसके बाद फिर ये है कि मामला रुक गया था, 70 से शुरू हुआ था। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये थी कि उसके अंदर फिर एक पहलू ये भी आया था कि जो मशीन थी उसके हवाले से कहा जा रहा था कि एक तो उसके एक्वायर करने में उसके ऊपर अखराजात बहुत आएंगे, दूसरा ये भी था साथ साथ कि अगर सेंसस नहीं होगा तो फिर क्या होगा। बिल्कुल जी, अच्छा, शुमारी जरूरी है। बिल्कुल जी, वजीर आजम इमरान खान ने 11 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास के मकासद पर वुज़रा को एतमाद में लिया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के लिए अच्छा दिन साबित ना हुआ और कौमी असेंबली में पेश किए गए 2 बिलों पर मुतहदा अपोजिशन के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास से मुतालिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन का भी अजलास हुआ, जिसमें इस अज़्म का इआदा किया गया कि हुकूमत को पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में शिकस्त दी जाएगी और नैब तरमीमी बिल समेत तमाम हुकूमती बिलों को मुस्तरद करने की हिकमत अमली भी साथ में तय की गई है। बिल्कुल जी, और ये जनाब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो मुतहदा अपोजिशन की जानिब से बनती जा रही है, ऊपर से हुकूमत ये चाह रही है कि किसी तरीके से इस मामले को टैकल करे, लेकिन महंगाई का चैलेंज है और बड़े चैलेंजेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद है। आलिया वेलकम टू बाखबर सवेरा। आलिया कहेगा कि अपोजिशन हम देख रहे हैं कि बड़ी एक साथ स्ट्रॉन्ग हो रही है, मुतहद हो रही है और बहुत सारी चीज़ों में इनका इतफाक भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
ये जो दोनों नाम लिए आपने, आपको थोड़ा सा याद करा दूं, यानी जनरल जिया की बाकियात और भुट्टो की बाकियात अब एक दूसरे से एक दफा फिर इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए हाथ मिलाने को तैयार है। तो सबसे पहले तो ये अफसोस होना चाहिए कि ये लोग एक जमहूरी हुकूमत को गिराने की खातिर इकट्ठे हो रहे हैं, और इसके साथ एक बात साबित हो जानी चाहिए कि ये जितने नाअहल 35-35 साल हुकूमत करके थे उतने ही नाअहल ये ऑपोजिशन में आकर हुए हैं। यानी एक इमरान खान जब पिछली दफा इनकी 2/3 मेजॉरिटी के आगे अपनी 30 सीटों के साथ तनो तनहा इनका मुकाबला कर रहा था, और आज हुकूमत में भी इमरान खान साहब तनो तनहा इन 11 जमाती करप्ट टोले का मुकाबला कर रहे हैं, और ये सियासी बेरोजगार एक दफा फिर इकट्ठे हो गए हैं। तो बात वही है कि ये तीसरा साल है और वही नवंबर का महीना है कि ये जिस तरह से हुकूमत के अगेंस्ट एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं, कभी आप उसे माल आना का आप लॉन्ग मार्च कह लें या पीडीएम की जलसियां कह लें, तो ये नवंबर के नवंबर इकट्ठे होते ही रहते हैं। और हुकूमत को ये तो क्या कह सकते हैं कि ये करप्ट और बेरोजगार टोले से ना हुकूमत को पहले कोई खतरा था ना हुकूमत को अब कोई खतरा। अच्छा आलिया ये कहेगा, हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में नैब तरमीमी बिल का जनाजा निकाल देंगे, ऑपोजिशन लीडर जो है वो बड़े पुरएतमाद और बड़े पुरउम्मीद हैं, आपको इसके पीछे क्या रीजन लग रही है? ऑपोजिशन लीडर साहब के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि ये वही ऑपोजिशन लीडर हैं जो पहला नैब ऑर्डिनेंस आया था उसमें इन्हीं का लॉयर उस नैब ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट प्ली लेकर गया था। अभी बिल्कुल रिसेंटली पिछले महीने की बात ये कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उसी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर शहबाज शरीफ साहब के लॉयर ने प्ली ली थी कि नैब ऑर्डिनेंस के लिहाज से इनके मुकदमे का फैसला होना चाहिए या ये नैब ऑर्डिनेंस जो इनको अपनी फेवर में लगता है, तो ये वही कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से शोर मचाए जाते हैं और अंदर से देखते हैं कि क्या चीज़ इनको NRO दे सकती है या नहीं दे सकती है। और आसिफ अली जरदारी साहब के वकील भी यही नैब नामा लेकर अपने अदालत में पेश हुए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आगे रिलीफ लेने के लिए। अब अगर नैब में इनको वो रिलीफ नहीं मिल रहा तो उसके अगेंस्ट ये एहतजाज करने को तैयार है। बेसिकली याद कराना पड़ता है नैब का चेयरमैन भी इन्हीं पार्टियों का जिसे कह लें कि मिलजुल कर मिली भगत से लगाया हुआ, और वही नैब भी इन्हीं की बनाई हुई है। नैब चेयरमैन से लेकर नैब के एक नायब कासिद तक सब इन्हीं के लगाए हुए हैं, यानी इनकी अपनी सिलेक्शन पर भी ये लोग जो है ना जिसे कह लें कॉन्फिडेंट नहीं है, और जहां जहां इनको लगता है कि इनको इस हुकूमत से NRO नहीं मिलेगा वहां वहां ये एहतजाजी तहरीक चलाते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि NRO देना हुकूमत का इख्तियार है। बहरहाल इस पे हम बात नहीं करते, ये पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास होने जा रहा है इसके लिए ऑपोजिशन तो मुत्तहिद दिखाई दे रही है, जिसका उन्होंने कल एक सबूत भी दे दिया, उनका लायमल मौजूद है, आप क्या करेंगे? लेकिन जी हम इस ऑपोजिशन को इतना ही समझते हैं कि ये सियासी बेरोजगारों का एक टोला है जो सिर्फ अपनी सियासत को अपने NRO को जिंदा रखने के लिए जो है ना ये एहतजाज करता है। सारी दुनिया ने इनका तमाशा देख लिया है कि जब कोई अवामी मफाद की बात होगी, जब कोई अखवातीन के तहफ्फुज़ के बिल की बात होगी, तो या ये कोरम पॉइंट आउट कर देंगे या ये वॉकआउट कर देंगे या ये गिनती के ऊपर हुकूमत को सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि हुकूमत कोई अवामी मफाद का फैसला ना कर सके, खवातीन के लिए लेजिस्लेशन ना कर सके या कोई ऐसी चीज़ हुकूमत ना कर सके जिससे इस अवाम को रिलीफ मिले, तो हमें तो इस ऑपोजिशन से बिल्कुल ना किसी जिसे कह लें पहले खौफ था ना हमें अब खौफ है, क्योंकि ये 11 जमाती इत्तहाद जो है गैर फितरी इत्तहाद जो है ये सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठा होता है। और आपने जैसे कमर जमान काहिरा साहब की स्टेटमेंट तो देख ही ली होगी कि वो क्या कह रहे हैं, सो ये इन सबको एक ही डर लगा रहता है कि कोई मेरे से पहले NRO ना ले। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीजीआई के रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ तो मौजूद थी, इस टॉपिक के बारे से गुफ्तगू कर रही थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जरा बात करेंगे नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल के बेहिमाना कत्ल के हवाले से। और अब जो डेवलपमेंट सामने हुई है वो ये है कि 3 मजीद अफराद को जो है वो इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में अगवा के दिफा और MNA जाम अब्दुल करीम को भी मुलजमान में शामिल कर लिया गया है। मकतूल नाजिम जोखियो की ऑडियो और वीडियो की मरकजी शिकायत के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है, लेकिन तफ्तीशी टीम को अभी तक जो मकतूल नाजिम जोखियो का मोबाइल फोन था ये समहाउ ये रिकवर नहीं कर सका। अच्छा, 3 जो गिरफ्तार मुलजमान हैं जाम अवैस जो कि MP है उनके अलावा वो पुलिस रिमांड पर हैं, और मोबाइल फ़ोन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा आसान सा काम है कि जो लोग इनको लेके गए होंगे और जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन्हीं की जानिब से ये मुमकिन तौर पर मोबाइल फ़ोन गायब किया गया है, क्योंकि जाहिर है कि काफ़ी सारा डेटा उसमें से रिट्रीव किया जा सकता है, और बड़ा आसान काम है कि उसको ठिकाने लगा देना। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल कत्ल केस में GIT बनाने का फैसला किया गया है, और इसी हवाले से अब हम जरा बात कर लेते हैं कि ये मामलात कहाँ पहुँचे हैं और असेंबली में इन मामलात को कैसे उठाया जाएगा। तो हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपोजिशन लीडर हैं वो सिंध असेंबली में। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो ये है कि ये जो अभी तक तहकीकात हो रही हैं कराची और लाड़काना में दो मुख्तलिफ वाक़ियात हैं, और आपने दूसरे वाक़े को हाईलाइट भी किया था, तो जो तफ्तीश हो रही है क्या आप थोड़ा सा इत्मीनान रखते हैं इस हवाले से, या आप मुतमईन नहीं हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस पहले वाक़े को सबसे पहले मैं ARY को क्रेडिट देता हूं कि सबसे पहले आपके चैनल पे चला था, और जो नाजिम जोखियो का वाक़या था 6 घंटे से उस बेचारे की लाश सड़ रही थी अस्पताल में। हमारे MP राजा अजहर साहब पहुँचे थे, उसके बाद मैं खुद हॉस्पिटल में गया था, और थाने में भी हमारे MPA साहब गए थे। तो मतलब नाजिम जोखियो का वाकया भी हम गए, आपने सबसे पहले ARY ने चलाया तो इशू उठा, नहीं तो कत्ल को तो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे जाके पोस्टमार्टम हुआ था। तो ये चीज़ भी पता चले कि पहला वाकया भी हमने मिलके ही उठाया था, और उसमें खुद मुझे जाना पड़ा था फिजिकली। और मैं दूसरे वाक्य की अगर ऐड करूँ तो वो भी एक बहुत ख़तरनाक, अलमनाक, अफसोसनाक वाक्य है। वो चूँकि बड़ा दूर दराज है, परसों में वहाँ जाना पड़ा मुझे, कि वहाँ तो आ रहा हूँ आपकी बात के ऊपर, मैं थोड़ा बताता चलूँ कि दूसरा वाकया गुम हो चुका है। वो भी एक MPA के वाले साहब ने MPA की स्क्वाड के साथ पुलिस के साथ मिलकर, मतलब पहले छोटी सी उसको दो बरादरियों के झगड़ा करार दिया जा रहा है, नहीं, एक पुलिस कांस्टेबल की बीवी थी बेचारी जो मर गई, एक छोटी सी जगह, एक जागीर में थोड़ा सा घर था, उस पर कब्जा करना था जागीरदार ने, जो कि MPA का बाप है, गांवर इसरान के वालिद शहीद इसरान जिस पर केस बना हुआ है, वो जाता है पहले पुलिस के जरिए, SSP को इस्तेमाल करता है हमारे इसरान, पुलिस के जरिए 3 मर्दों को उठा के लॉकअप कर दिया जाता है, फिर पीछे शहीद इसरान आता है घर पे आके गोलियां मारता है, वो खातून कुरान शरीफ लेकर बाहर निकलती है कि कुरान शरीफ सीने पर रख के वो फायर करता है, कुरान शरीफ पे गोलियाँ गुजरती हुई खातून मर जाती है। उस वक्त एक वीडियो, एक हसन सियाल बच्चा, एक स्टूडेंट है शाह लतीफ का, वो वीडियो बनाता है, उन्हें पता चलता है, उसको भी उठा के वो ले जाते हैं 2 घंटे नंगा करके नाजिम जोखियो की तरह उसको मारते हैं, जब पता चलता है कि खातून मर गई सोशल मीडिया पे उठता है तो जाके उसको छोड़ते हैं। उसमें भी ना 780 लगी है, ना शहीद इसरान गिरफ्तार हुआ है। यहाँ चले जाम अवैस गिरफ्तार तो हुआ शोर मचाने पे मीडिया के, सोशल मीडिया के, आपके, वहाँ शहीद इसरान गिरफ्तार नहीं है, 780 नहीं लिए, कुरान शरीफ को शहीद कर दिया, उसकी कुछ नहीं हुआ, और वो जो 2 घंटे पुलिस के साथ मिलकर हमारे इसरान के घर पे मारा गया, उसका कुछ नहीं हुआ। इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और तहकीकात के आड़े भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं जो कि तहकीकात भी सही मुकम्मल नहीं होने दे रही, तो आपको लगता है कि पुलिस पर भी किसी किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है? ये मैं बिल्कुल आपसे दाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली स्लो होती है, चूंकि सिंध पुलिस जो है, पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद वो पीपल्स पार्टी पुलिस बन चुकी है, जरदारी फोर्स बन चुकी है, ये सरदारी निज़ाम और जरदारी निज़ाम इकट्ठे हो चुके हैं। सिंध पुलिस से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है, इसमें जो JITs बनती हैं वही लोग हैं जो पोस्टिंग्स लेकर आते हैं, और जब पोस्टिंग पे आते हैं तो उनका बड़ा निज़ाम चल रहा होता है पोस्टिंग पे, वो गुलामी करते हैं, जिसने पोस्टिंग करा दी वही उनका IG है, वही उनका चीफ मिनिस्टर है। शेख साहब, अभी ये जो बड़े हमने देखे हंगामा खेज जो तबादले हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, एक अरसे बाद जो लोग 15 साल से एक जगह में मौजूद थे उनको हिला दिया गया है, तो उससे आपको लग रहा है कि कुछ बेटरमेंट की उम्मीद है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के,
एडवाइजर इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब साहब के, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और तमाम लोग के, उन्होंने सिंध की पुलिस को भी प्रोफेशनल करने के लिए कुछ यहाँ के लोग, चूँकि यहाँ जो लोग बेचारे सिंध में अच्छे अफसरान थे, यहाँ आके तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो पुलिस ऑर्डर 2020 और उसके बाद जो रोटेशन पॉलिसी जो कि बहुत मतलब मच अवेटेड थी, 20-20 साल से भी लोग बैठे हैं, 10 साल बाद निकलना चाहिए, यहाँ लोग बैठ गए थे और जाना नहीं चाहते थे, स्टे ले लिया करते थे। मैं समझता हूँ कल जो रोटेशन पॉलिसी के तहत ये तबादले हुए हैं ये खुशाइंद है, और अभी मैं क्या समझता हूँ कि पुलिस ऑर्डर 2000 क्या कहना चाहिए कि उसके तहत भी जो 2020 का एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि जिन पे केसेस होंगे उनको उससे फारिग किया जाएगा, नौकरी से फारिग किया जाएगा, घर बचा जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस के अच्छे अफसरान को भेजें ताकि तफ्तीश ठीक हो सके और जालिमों को कैफरी किरदार तक पहुंचना चाहिए। जो जेआईटी के हवाले से बात की जा रही है, जेआईटी कब तक तश्कील दे दी जाएगी और आपको क्या लगता है कि ये जेआईटी वैसे काम कर सकेगी सिंध में जैसा विक पास चाहती है? देखिए मैं टेक्निकली इसको जरा बता दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अफसरदा थे दोनों वाकयात के ऊपर, उन्होंने खुद गवर्नर साहब को भिजवाया, गवर्नर साहब वहाँ गए भी, प्राइम मिनिस्टर बहुत ही नाजिम जोखियों पर और बाद में फैमिली सयाल केस के ऊपर, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, तो जीआईटी के लिए पहले जो इन्होंने मसला किया इसके अंदर 780A लगना चाहिए, क्योंकि दहशत कि जीआईटी 780A क्या होता है कि जिससे खौफ हिरास फैल जाए, मतलब इलाके में ही पूरे, इससे नाजिम जोखिम में तो खवातीन बच्चे सब लोग खौफ में हैं। 780A लगने के बाद सेक्शन 19(1)A के तहत जो है वो जीआईटी बन सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर साहब की मुलाकात हुई थी, वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं और हम चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि जो असल मुलजमान हैं जो छुपे हुए भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अल्टीमेटली ये बताएं शेख साहब, ये असेंबली में कोई आमना सामना हुआ आपका इनसे जाम अवेश से? अभी तो असेंबली के हमारे स्पीकर साहब ही नहीं है, हमने इजलास की रिक्वेस्ट की है कि भाई इजलास तो कराओ, अभी तो इजलास हमें पता नहीं होगा क्या, हमने रिक्वेस्ट डाली है लास्ट वीक हमने सबने कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है, तो मैं असेंबली में 6 लोग बैठे हैं जो कत्ल के मुकदमात में मौजूद हैं। चलें जी देखते हैं असेंबली, जो कायदे आजम की असेंबली थी, 6 मुल्जमान है कत्ल के सिंध असेंबली में बैठे हैं। मैं कहता हूँ बिलावल जरदारी साहब को इन सबको फारिग कर देना चाहिए, इनकी सीटें वापस लेकर साबित करें कि वो अवाम दोस्त पार्टी है, ठीक है, ये कातिलों की पार्टी बन गई है, क्या कह सकते हैं? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हलीम आदिल शाह हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी 10 बज चुके हैं, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और आपके साथ मैं और मदिया नकवी मौजूद है। मदिया क्या है, कोई खास खबर है आपके पास? अभी बहुत अहम खबर हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को तलब कर लिया है, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वजीर आजम ने अदालती हुक्म पढ़ा है, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर आजम को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, वजीर आजम को अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। तो हसन अयूब हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, बताइएगा हसन इससे मुताल्लिक कब तलब किया गया है वजीर आजम साहब को? जी बिल्कुल, फौरन तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे हैं। उन्होंने अभी केस की समाप्त में वक्फा कर दिया है, जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का आज खुद नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने अदालती हुक्म से आगाह नहीं किया वजीर आजम को और वो इस हवाले से आप आगाह करेंगे, तो अदालत ने कहा कि ये संजीदगी का आलम है, हम खुद ही बुला लेते हैं वजीर आजम पाकिस्तान को और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने अदालती हुक्म पढ़ा है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद किया है। इसके साथ साथ अदालत की जानब से मुख्तलिफ सवाल भी उठाए गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क की है कि कहा जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और जैसे इजाजत ने कहा कि जब मालूम था कि ऑपरेशन दरबे अज़ हो रहा था और उसका बैकलैश आना है और सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये बच्चे, स्कूल के बच्चे और पेशावर जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिटी है, तो वहां पर सिक्योरिटी को क्यों नहीं जो है वो टाइट किया गया और क्यों नहीं इंटेलिजेंस के जरिए काउंटर करने की कोशिश की गई बैकलैश को। इसके साथ साथ जो जो बच्चे शहीद हुए हैं सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनके वालदैन जो है, उनकी माएँ, उनके वालिद वो रोस्टरम पर खड़े थे और जब ये सारी गुफ्तगु हो रही थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अटॉर्नी जनरल की, तो वो सिसकियां लेकर रो रहे थे और काफी ज्यादा जो है ऊंची आवाज में माएँ रो रही थी, तो एक बड़ा जो है वो रंजीदा किस्म का माहौल बना था।
जस्टिस काजी अमीन जो कि तीसरे फाजल जज हैं इस बेंच में, उन्होंने कहा कि रिपोर्टेडली अब कुछ ऐसे लोगों के साथ जो है वो मुजाकरात भी हो रहे हैं, गालिबन उनका इशारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ था जो कि इस सारे जो सानिया आलम पब्लिक स्कूल है इसके पीछे हैं। तो ये भी एक रिजर्वेशन है, एक सवाल उठाया है जो अदालत उज़्मा की जानिब से जो तीन मेंबर बेंच है कि अब एक तरफ जो है हमारे बच्चों की लाशें हैं और उसका जो है अभी तक कोई जो है उनका मदावा नहीं हो सका, उनके जो जख्म वालदैन को पहुंचे हैं उन पर मरहम नहीं रखी गई, ऊपर से अब मुज़ाकरात की बात भी शुरू हो रही है। अब इसके साथ साथ जो है वो जो वालदैन थे उन्होंने गुज़िश्ता सवाल के ऊपर ये अदालत उज़्मा से इस्तदआ की थी कि उसके जो उस वक्त के जो हेलम ऑफ अफेयर्स थे यानी उस वक्त के जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे, होम सेक्रेटरी थे, वफाकी वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, उस वक्त के जो वफाकी सेक्रेटरी थे कोर कमांडर पेशावर थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम जो साबिक DGISI थे, इन तमाम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए ये इस्तदआ की थी वालदैन ने, जिसके ऊपर सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटर्नी जनरल को और उनको जाती हकीकत में आज तलब भी किया था। तो ये जो बात थी ये शायद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से जो है वो कम्युनिकेट नहीं की, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो वज़ीर आज़म से पूछेगी कि इस मामले के ऊपर क्या करना है, रियासत पाकिस्तान का क्या मौकफ है और इस मामले के ऊपर जो है उन्होंने क्या करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है और इसके अलावा जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन की 5000 पर सफात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो वो रिपोर्ट भी जो है वो गुज़िश्ता बरस आई थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी का तयन भी किया गया था। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो अदालत उज़्मा मांगेगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। तकरीबन 11:30 बजे दोबारा अब जो है इस केस को टेकअप करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके ऊपर देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अदालत आकर क्या बात करते हैं। चले जी, बड़ी अहम अपडेट है जो कि हसन अयूब हमें दे रहे थे, वो खबर ये है कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेश आया था जिसने पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ रुला दिया था बल्कि हिला के रख दिया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब वजीर आजम पाकिस्तान को तलब कर लिया है और चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि क्या वजीर आजम ने अदालती हुक्म पढ़ा है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल का जो मौकफ था उन्होंने कहा कि वजीर आजम को अदालती हुक्म नहीं भेजा गया था और वजीर आजम साहब को अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। अटॉर्नी जनरल साहब, ये संजीदगी का आलम है, ये चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए और उस पर मजीद उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे और आज ही वजीर आजम पाकिस्तान को तलब किया गया है। 11:30 बजे जो है रिजम्पशन होगी चाय के ब्रेक के बाद, तो उसके बाद अब देखना है कि वजीर आजम साहब कब तशरीफ लाएंगे और वजीर आजम साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनको बुलाएं, उनसे खुद हम बात करेंगे और ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो है वो अभी तक एक बड़ी अहम अपडेट है और ये रिमार्क्स जो सामने आए हैं उसके हवाले से बात की गई है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि क्या आला हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आला हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी में कोई फाइंडिंग नहीं, ये मौकिफ था अटॉर्नी जनरल का और चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस का सिस्टम है, अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं, दावा भी है कि हम दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। तो ये आज जो है वो तलब किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अब देखना यह है कि इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होती है। सही, अब नजर आ लेते टॉप स्टोरीज पे। ढाका के मौजू पर बनने वाली मुनफरिद फिल्म खेल खेल में रिलीज के लिए तैयार, पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें बेनकाब, बिलाल अब्बास और सज्जल अली ने मरकजी किरदार निभाए। मोटापा दिल और ज़ियाबतीस की बीमारियों की बड़ी वजह है, पाकिस्तान की अच्छी खासी आबादी मोटापे का शिकार है, बच्चे भी शामिल। और दरिया की मट्टी से खूबसूरत फनपारों की तख्लीक और सदियों पुराना काशी का हुनर, सिंध के शहर हाला की वजह शोहरत, माहिर दरिया की मट्टी गूंद कर बर्तनों और टाइल्स बनाते हैं। अच्छा जी, तो मोटापा एक बड़ा अहम मसला है और लेगी लिप्टी के बगैर, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं।
तो तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसर्न तो है, लेकिन पाकिस्तान का जो नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है 165वां, यानी कि पाकिस्तान में कंसर्न्स मौजूद हैं कि लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, और जो लाइफस्टाइल में सडन चेंजेस आए स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर द कोविड-19 डिजास्टर, क्योंकि जो अब हमारे मोबाइल फोन पे, यानी कि ये जो मोबाइल फोन है इस पर आपकी फिंगर टिप्स पे एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हैं जो कि आपको तरगीब देती हैं कि आप घर बैठे बैठे जो प्रोसेस्ड फूड है उसको मंगवाएं, जंक फूड उसको मंगवाएं, और हिलने की आपको उसके अंदर जरूरत नहीं होती। तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है कि जिससे आप बच्चे भी जो 15 साल से कम भी हैं और उससे ज्यादा भी हैं, वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सती, अगर आज से, अगर हम एक दिहाई पहले ही देखें तो बच्चों में खाने पीने का वो रुझान नहीं था जो कि अब बन चुका है। हाँ। बच्चों में बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड खाने के जितना बच्चों में अब रुझान है, ये पहले नहीं पाया जाता था, जो कि बच्चों की अपनी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह। और आपको पता है कि मोटापा हर बड़ी बीमारी की जड़ बनता है। क्यों है मोटापा और कैसे से बच सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ारियात जवेरिया महमूद कुरैशी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम जवेरिया एंड वेलकम टू बाख़बर सवेरा। जवेरिया, अगर हम रिसर्च वगैरह देखें तो पाकिस्तान में मोटापा जहाँ हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की भी है जो कि बड़ी तेजी से ओबेसिटी का शिकार होती चली जा रही है, ऐसा क्यों है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि मोटापा अकेले नहीं आता, साथ कई बीमारियाँ लेके आता है। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए चाइल्ड ओबेसिटी की, तो इस टाइम बच्चे डायबिटिक भी हैं, कोलेस्ट्रोलीमिक भी हैं, और उसके साथ ही साथ एक्सेसिव जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं या जो वो मशरूबात, जो रंगों वाले मशरूबात हैं, पैकेज्ड प्रोसेस चीज़ें हैं, उसका बेतहाशा इस्तेमाल, फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी बिल्कुल जैसे पहले खेल कूद हुआ करते थे, बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी, अब बच्चों की जो वो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो के आईटी साइट पर आ गई हैं या वो गेम्स और फोन्स चीज़ों पे, तो उसकी वजह से मोटापे का बढ़ता हुआ रुझान पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से देखने में आ रहा है। और इस पर कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब डोंट स्किप ब्रेकफास्ट मील, ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे जो हैं उनको एक हेल्दी होममेड ब्रेकफास्ट दिया जाए और उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप की जाएं, जिसमें प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेन्स का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। और इट्स आ कम्युनिटी डेवलपमेंट कि आप इसको न्यूट्रिशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ले जाएं, ताकि ये जो मोटापे का बहुत बढ़ता हुआ रुझान है और स्पेसिफिकली ये कितनी बीमारियां फेस करनी पड़ती है, तो वहां पे बच्चे भी somehow जो है वेल अवेयर होते हैं और बच्चों को भी पता होता है कि हमने क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। पेरेंट्स का कितना इसमें दारोमदार है, स्पेसिफिकली स्कूल्स में हम बच्चों को कितना बता सकते हैं इस हवाले से? देखिए, हेल्दी न्यूट्रिशनल स्कूल लंच प्रोग्राम्स में तो एक ही चीज़ डेवलप की जाती है कि पहले डब्बे वाले जूस और दूध और इस तरह की चीज़ें आप बंद करें। सेकंड नंबर पे कमर्शियलाइज्ड फूड्स का इस्तेमाल जो है उसको रोकना चाहिए या उसको लिमिटाइज कर दें, क्योंकि आप बच्चे की जो कॉग्निटिव या मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो नेक्स्ट बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड है। आप ये देखिए कि जब भी हम नेचुरल फूड्स लेते हैं तो उस जो भी हम खाते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, तो एक्चुअली जो भी हम न्यूट्रिशनल गोल्स ले रहे होते हैं, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्दी फूड लेना चाहते हैं तो हमें साफ, सेहतमंद और घर का बना हुआ खाना, उसको प्रायोरिटी देनी होगी। मदर्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स, माएँ कौमें बनाती हैं, जनरेशन हेल्दी करती हैं, और एक सेहतमंद मुआशरा तभी बनता है जब एक माँ एक अच्छे फूड की तरफ आपको रागब करती है, तवज्जो दिलाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आजकल, क्योंकि जैसे मदर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी में सब चीज़ें हो रही होती हैं और इंस्टेंटली फूड सर्व किया जाता है बच्चों को। नहीं तो अच्छा, मुझे ये बताएं जवेरिया, जो चीज़ें, ये जो स्टैट्स हैं इस हवाले से पाकिस्तान के, अगर हम आदाद शुमार के हवाले से बात करें तो कितने कंसर्निंग हैं दुनिया के दूसरे ममालिक को लेके, कि यहाँ पर कितनी रेशियो है, और खास तौर पर ये जो कोरोना वायरस की वबा आई थी जिसने हमें घरों पे महदूद कर दिया, बच्चों की स्पेसिफिकली बात करें, खेलों की एक्टिविटीज को रोक दिया, घर पे महदूद रह के ऑर्डर करके जो फूड खाना शुरू हुए, उससे फर्क कितना पड़ा है सारी चीजों में, ओबेसिटी में? अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की जब बात की जाती है तो फिजिकल इनएक्टिविटी की बात भी होती है। आप ये देखिए कि बच्चा जब वीनिंग प्रैक्टिस में होता है, मतलब इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स 6 माह से,
तब जो मतलब इट्स टोटली इन द मदर्स हैंड्स, तभी से वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड फीड्स फूड्स पर आती हैं जो कि बच्चों को देना शुरू होते हैं। लेटरली जब उनके ब्रेन की या मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जब आप उनको ये नहीं बताएंगे कि आप के जो हेल्दी और जो प्योर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब्जियों दालों और फलों में रखे गए हैं, अगर उनका ये रुझान डेवलप नहीं है और आप उनको अप्रिशिएट करने के लिए बाहर ले जाएंगे या घर पे कुछ ऑर्डर करके खिलाएंगे, तो उससे ये है कि एक अनहेल्दी चीज़ डेवलप होगी जिससे ओबेसिटी क्या बहुत सी बीमारियां बच्चों को बहुत अर्ली पीरियड में भी हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होते हैं, पहले 20 साल की न्यूट्रिशन में आप नेक्स्ट 20 ईयर्स की न्यूट्रिशन को ओवरकम नहीं कर पाते, तो ये बहुत जरूरी क्योंकि है आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं बाय दैट टाइम डेवलप हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी जवेरिया कुरैशी। और अभी हम आपको चलते हैं जनाब इस्लामाबाद, जहां पर नैब कोर्ट के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये सवाल भी करना चाहता हूँ और मैं पीटीआई के हर उस शख्स से ये सवाल करना चाहता हूँ जो इमरान खान की ईमानदारी की कस्में खाता है कि जनाब मिस्टर क्लीन से हमें उन तोहफों की तफसील ले दें जो उन्होंने गैर मुल्की दौरों में गैर मुल्की सरबराहान या गैर मुल्की पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक के उहदेदारों से वसूल किए हैं। आज तक क्यों नहीं उन तोहफों की तफसीलात कौम को बताई जा रही, तोशा खाना केस में क्यों हुकूमत छुप रही है, क्यों इमरान खान साहब नहीं बताते कि मुझे फलां फलां ने फलां फलां तोहफा दिया है, बल्कि पूछने वाले ने तो ये भी नहीं पूछा कि किसने आपको क्या तोहफा दिया है, पूछने वाले ने तो सिर्फ ये पूछा है कि उन तोहफों की तफसील बता दें जो आपको बैरून। चलें जी, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदों से। बिल्कुल जी, अच्छा आज मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान में जो कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, और जब हुनर के हवाले से भी हेरिटेज के हवाले से बात करते हैं तो वो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है दुनिया जहान में, काफ़ी ज़्यादा मकबूल और मारूफ भी है। जैसे हम जो काशी का देखते हैं, जो स्पेसिफिकली अगर मटियारी में हाला देख लें तो हाला में जो बर्तन बनाए जाते हैं और ना सिर्फ वासेस बनाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो दरिया की मीठी मट्टी है और इतना कितना एफर्ट लगता है उसके अंदर, वो मतलब एक फंड को लेके चलना और दरमियान में तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा सिलसिला ऑब्सोलीट होता जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मीडिया भी सोशल मीडिया पर भी इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है दोबारा से। बिल्कुल जी, तो जो पॉटरी वहां पे बनाई जा रही है स्पेसिफिकली जो ब्लू पॉटरी की हम बात करते हैं वो वेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा उसको बड़ा अकीदत की नजर देखा जाता है, तो पाकिस्तान में कैसे हम अपनी ब्लू पॉटरी को ट्रीट कर रहे हैं और हाला में कितनी खूबसूरत पॉटरी बन रही है, इस हवाले से हमें मजीद आगाह कर रहे हैं अब्दुल गफूर मेमन। बहुत ही प्यारा पैकेज और बहुत ही खूबसूरत काम। अच्छा एक और खूबसूरत काम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो साल बाद फाइनली जब पाकिस्तान के सिनेमा घर खुले हैं तो पहली पाकिस्तान फिल्म खेल खेल है खेल खेल में ये लगेगी इंशाल्लाह, जल्दी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो पहले जरा हम आपको टीजर दिखाते हैं, मीनवेल हम ब्रेक पर चले जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो टीम की कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी, हमारे साथ रहेगा। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान। पचास साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल बनाए, और वो जीते जागते लोग जो आज भी कोलैटरल डैमेज है उनका कोई जिक्र ही नहीं। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग, तुम कहां जाती हो सबसे छुपकर? इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी ट्रिप। पता है क्या रंग लाई है वो लड़ाई जिसका बीज तुमने बोया था, और फसल आज तक वो इनोसेंट लोग काट रहे हैं जो तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की लेने तलाशियां दोनों। एक गलती हुई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी फिल्म
पाकिस्तानी सिनेमाघरों की जीनत बने जा रही है। दो साल कोविड की वजह से सिनेमाज बंद रहे और हमने देखा कि जब सिनेमाज खुले तो हॉलीवुड की फिल्म जो है वो सिनेमाघरों की जीनत बनी, बड़े पर्दों पर वो दिखाई जा रही थी। लेकिन हम ये इंतजार कर रहे थे कि कौन होगा वो मर्द बहरान, कौन होगा वो ब्रेव इंसान जो कि इतना बड़ा रिस्क लेगा कि एक साथ आते ही अपनी फिल्म को लॉन्च करेगा। क्योंकि ये दो सालों में लोगों की ना सती आदत बड़ी चेंज हो गई है। यू हैव नेटफ्लिक्स, यू हैव एवरी कॉन्टेंट एट योर नाम से। हाँ, आई वुड नॉट एग्री। नेटफ्लिक्स पे जितना कुछ था या दूसरी जितनी भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी जिन कंपनीज की जानिब से, वो सब देख के लोग खत्म हो चुके हैं। लोग तरसे हुए थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ती तफरी यही है कि आप मूवीज देख लें, खाना खा लें। और अब ये एक मौका प्रोवाइड किया गया है। इट वॉज अ बिट ऑफ अ गैम्बल, लेकिन ये पे ऑफ करेगा क्योंकि लोग जाएंगे, लोग देखेंगे, सिनेमा खुलने का लोग वेट कर रहे थे। देखें, यहाँ पे रिस्क ये था कि आप, क्योंकि लोगों का मिजाज दो साल में बड़ा चेंज हुआ है, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना इतनी कमाल स्क्रिप्ट के साथ, और ये बहादुर स्टेप लिए। जनाब फिल्म वालों नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं फिजा मिर्जा, द वेरी ब्रेव प्रोड्यूसर। एक देयर वाज अ टाइम जब हम सारे शमीम आरा को कहा करते थे, और अब आज के टाइम में वी हैव फिजा मिर्जा। और फिजा जिस किस्म की स्क्रिप्ट्स को लेकर आती हैं, जो काम है एक्सेप्शनल काम है। और साथ में जनाब जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म के, बिलाल अब्बास, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इससे पहले हम इनके पास जाएं, मैं चाहूंगी टीजर एक बार जरा दोबारा से दिखा दें। तुम्हारा देश टूट गया है, अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। As we all know, the competition is in Dhaka. We should do a play on 1971, Dhaka Fall. बिला वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं है। This is how a youth is trying to be different and creative by being controversial. आजाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। मुझे अटके पूरे पाकिस्तानियों से मिलना है। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान। फिर जंग जाकर इन 50 साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल। तो जनाब इसी पर अब हम बात कर लेते हैं। तारुफ तो वैसे हम करवा ही चुके हैं। बिलाल अब्बास खान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, और फिजा अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताएं सबसे पहले, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त तो निकाला हमारे लिए, हाउ एक्साइटेड यू आर? जो सारे सर्कमस्टेंसेस मदिया ने अभी तस्करा किया कि लोगों को घर से बाहर निकालना एक आदत बन गई है, तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गैम्बल है या फिर यू आर एक्साइटेड कि लोग आएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग भी फिल्म बफ्स हैं, हम बहुत रेगुलरली फिल्में देखते हैं और हम बहुत टाइम से सिनेमा को मिस कर रहे थे, तो वो पहले आपके इंतज़ार में बहुत देर हो जाती। तो हमने कहा कि ठीक है, लेट्स जस्ट बिगेन। हमारे पास माशाल्लाह से फिल्म रेडी है, और फिल्म ऐसी है कि जिसको हम समझते हैं कि ऑडियंस को अगर आती है सिनेमा में कुछ बहुत एम्पावरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा, तो वो देखने के लिए आएंगे। एंड दिस फिल्म कैन क्रिएट अ बिग वर्ड ऑफ माउथ, यू नो, फॉर द ऑडियंसेस। दिस इज़ माई बिलीव एज अ मेकर, हर एक को अपनी फिल्म अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एटलीस्ट शुरू करने के लिए सिनेमा को एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी जो एक कैनवस, सिनेमैटिक कैनवस की फिल्म हो। एंड दिस इज़ अ बिग कैनवस फिल्म, इट हैज़ अ ग्रेट कास्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी बिलाल कमिंग, यू नो, ऑन द बिग स्क्रीन। एंड वी हैव बिलाल की अगली दूसरी फिल्म है ये? जी हाँ, दूसरी फिल्म है ये बिलाल की, लेकिन हमारे साथ पहली फिल्म है। और बिलाल की माशा से एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। जब बिलाल के साथ शूट किया तो यू नो, आई मीन आर एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट इज आल्सो अ चांस फॉर ऑल दीस पीपल हु हैव बीन वांटिंग टू सी पीपल लाइक बिलाल एंड सजल ऑन स्क्रीन, बट यू नो, ऐसी डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि हम समहाउ ना, हमारे पाकिस्तानी जो है वो बैरून ममालिक की जो फिल्म है ना, वो उसमें इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन समहाउ हमें यहाँ के लोग अगर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट टॉपिक हो तो लोगों का मिजाज बदल जाता है। तो जो आपने कम बैक ही किया वो भी कैसे टॉपिक के साथ जिसमें जो हम हर जगह डिस्कस नहीं करते, और ऐसे ब्रेव टॉपिक के साथ आना, वो कैसा है? ये मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हम इंटेलिजेंट कंटेंट नहीं बना सकते। वही कंटेंट जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, जैसे अभी आप लोग नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रहे थे, वहाँ पे आते तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा होता है। एग्जैक्टली। सो माई पॉइंट इज, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट आर पीपल। आई थिंक वी आर ग्रेट एट वॉचिंग कॉन्टेंट, वी हैव द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। और जहाँ तक ब्रेव फिल्म मेकिंग की या ब्रेव कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात है,
एक आपकी सेल्फ प्रोजेक्शन होती है आपके काम के साथ जो जिससे आप रिलेट कर पाते हैं. किसी आर्टिस्ट का स्ट्रोक एक सर्टन तरह का होता है, यू नो, किसी डिजाइनर का कट एक सर्टन टाइप का होता है जो उसकी पहचान बनता है. बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारा बात करना, डायलॉग को इनिशिएट करना हमारी पहचान है और हम उसके लिए फिल्म बनाते हैं. अच्छा बिलाल, आपके लिए आप बताएं कि ये जो फिल्म है, व्हाई दिस मूवी, वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? क्या सोच के आपने कहा कि यार ये मूवी मुझे करनी चाहिए? एक दिन में डिसाइड कर लिया था. अच्छा, सिंपल था. इन्होंने मुझे बुलाया, मैं लोग से मिला, इनसे, नबील से, और उन्होंने बताया फिल्म बना रहे हैं. फिल्म की कहानी के बारे में जब मुझे बताया था तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तो फौरन साइन नहीं किया था, बट दिमाग में मैंने बिठा लिया था दैट आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, मैसेज है फिल्म में, और फिल्म जिस इशू को एड्रेस कर रहा है वो इशू बहुत अच्छा है. इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा था, सो कैसे मना करता. सो कैसा लग रहा है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी होगी कि आपको होता है कि भाई पहली फिल्म हमारी लग रही है और हमें लोगों को लेकर आना है सिनेमा घर के जाने, तो सब जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना उन पे भी बड़ा एक प्रेशर होता है. मुझे तो तीन चार दिन पहले तक इतना डर नहीं लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा. अच्छा, रिलीज की तरफ जा रहे हैं ना, और अब मैं जब सुन रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे फील हो रहा है अच्छा बाकी में है. उससे पहले सच नहीं फील हो रहा था, बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम रियली होपिंग कि इंशाल्लाह लोग सिनेमा देखने आएंगे. अच्छा, अभी कितने पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं सिनेमाज खुलना शुरू हो रहे हैं, तो कितनी जगह ये पे स्टार्ट होने नहीं, इंशाल्लाह कंट्री वाइड जाएंगे और वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं हम लोग. हम यूके भी रिलीज कर रहे हैं, हम यूएई भी रिलीज कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अक्रॉस नेशन जा रहे हैं. सारे सिनेमाज खुल जाएंगे इंशाल्लाह, जो खुल चुके हैं वो ऑलरेडी दे आर डूइंग ग्रेट इन बिजनेस. नंबर्स में लोग आ रहे हैं माशाल्लाह फिल्में देखने के लिए, और जो रह गए हैं वो भी सिर्फ उस हद तक रह गए कि कुछ मेंटेनेंस, दो साल के बाद यू नो सिनेमाज खुल रहे हैं, तो हर एक को टाइम चाहिए होता है करने के लिए टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू द लेवल दैट द ऑडियंस एक्सपेक्टेड ऑन, यू नो, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो हमारी भी तो एक ख्वाहिश होती है कि हम जा रहे हैं ऐसी सही चल रहा हो, कुर्सियां साफ हो, तो वो सब कुछ हो रहा है. एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 19 तक सब सिनेमाज बिल्कुल हम सबको वेलकम करने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह. यहां पे ना मतलब बीइंग अ सिटीजन मुझ पे भी एक जिम्मेदारी जो मैं भी फील कर रही हूँ वो ये है कि मुझे मेरे सिनेमा के सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए भी मुझे पाकिस्तानी फिल्म देखनी है. सो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सो प्लीज जरूर जाएं अपने आसपास के सिनेमाघरों में, टिकट कटाएं, हमें अपना हिस्सा डालना है. अगर मैं अच्छी तफरी चाहिए और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी जो है वो जो आप कर रहे होते ना लोगों से कंपैरिजन, उससे मुकाबले में ग्रो करे, टिकट पैसे खर्चने पड़ेंगे, थोड़े से सस्ती टिकट भी है और महंगे सिनेमा भी है, सारी ऑप्शन. आई लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर हियर, देखिए जैसे क्रिकेट है ना, हम बीच में बहुत डिसअपॉइंट हुए, हम हर बार रिवाइवल और सर्वाइवल की बात करते हैं, कभी कभी हमें बहुत बुरा भी लगता है कि यार ये रिवाइवल के फेस से हम क्यों नहीं निकल पा रहे, ये वर्ड हमने कोई पिछले 7-8 साल 10 साल कहा है, और मैं अब नहीं कहना चाहती, ना ही आई वॉन्ट टू लिटरली यू नो कन्विंस और बैक पीपल टू कम टू द बिकॉज हम एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट जो होती है उसके अंदर सैक्रिफाइस नहीं होता. हम कहते हैं यार आप आए खुशी खुशी आके देखें उसको, अपनी मर्जी से आके देखें. तो जब तक क्रिकेट के अंदर एक पॉइंट आया था हम एंटरटेन होना छोड़ गए थे, डिसअपॉइंटमेंट को रॉक बॉटम टच करके माशाल्लाह लुक वी आर अनबीटेबल नाउ. आई कैन गारंटी इफ वी आर कंसिस्टेंट द वे वी बीन, और हम क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें ताकि उसको आगे लेके जाएं और फिल्में बनती रहें, तो इंशाल्लाह there will be a time that you will see Pakistan industry to be unbeatable. जब आप जैसे young लोग भी आएंगे तो ऐसे. फिलहाल अब ये जरा बताएं कि ये तो चलें हो गई संजीदा बातें, हमने लोगों ये जो साथ में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके अंदर हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ जो हमारे सुपरस्टार्स होते हैं वो अक्सर बात कर रहे होते हैं 20-20 साल बाद भी जाके वो अपने एक्सपीरियंस बता, यार वो फलां मूवी की शूट हो रही थी उसके अंदर ये दिलचस्प वाकयात हुए, एक्टर्स का आपस में जेल इन होना भी एक यू नो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई दिलचस्प वाकया हो तो शेयर करना चाहिए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हम सब दोस्त बन गए थे, डेली सब खाना लाते थे और सब पे ड्यूटी थी कि डेली किसी ना किसी ने खाना लाना है. अच्छा, और अगर कोई अपने घर से खाना नहीं लाता था तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से बस एक कुछ कहते नहीं थे, बस एक वाइब आती थी कि पूरा दिन उनका फिर जैकेट पहन के गुजरता कि इतना ठंडा एनवायरनमेंट कर दिया था उनके आराम के नेक्स्ट डे ही दे वुड ब्रिंग. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने 45-50 डेज के अंदर शूट पूरी खत्म कर दी. और थोड़ी टफ थी क्योंकि थोड़ा सा हमने बलूचिस्तान में भी काम किया था, कराची में भी था, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बस खेल खेल में पूरी फिल्म खत्म हो गई. क्योंकि हम जिस सकूटर ढाका की बात करें ना, बाकी मुझे लग रहा है कि एज इफ कुछ पार्ट आपने वहीं जाके शूट किया, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी जो थी टपक रही है. अच्छा, मुझे अपने कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइएगा, ट्रेलर तो हमने देख लिया है, ज्यादा हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली है क्या बिलाल? मेरे कैरेक्टर का नाम साद है और बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा कैरेक्टर है, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़का है फ्रॉम अ गुड फैमिली हु वांट्स टू बी एन एक्टर.
बस यही है मेरे कैरेक्टर में, सिंपल सा कैरेक्टर है, बट स्टोरी और जो कॉन्सेप्ट है जिसके जिस चीज के बारे में मूवी बात कर रही है वो ज्यादा बड़ी चीज है, वरना कैरेक्टर तो इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर. और अमूमन जिस तरह मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, इसमें तो कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. सही. अच्छा मैं देख रही हूँ मुझे यहाँ पे अली जफर भी नजर आ रहे हैं और साथ में मैं एक्सपेक्ट ये करी क्योंकि फिजा आपकी फिल्म हो और फहद मुस्तफा के हुसन का तड़का न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता. सो शुड वी एक्सपेक्ट अ कैमियो बाय हिम? वेल लेट्स कीप इट अ सीक्रेट. ओके ठीक है, व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस द 19th. और साथ में भाई जो इनकी फिल्म होती है ना उनमें नबील भी कुछ छलांग मार के डांस जरूर करते हैं. क्या कमाल एक्टर है लोगों का. ये भी देखते हैं कि नबील ने छलांग मारी है क्या पता. इसमें आप देखें 19 को उन्होंने छलांग मारी है, मारी है नहीं मारी. बल्कि नबील कह रहे थे कि मैं सोचो मैं दो जो एडिट करूंगा, एक में मैंने छलांग मारी होगी और एक में नहीं मारी होगी. मुबारक हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अल्लाह करे अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करे आप दोनों को. और आप भी इतने से बाद आपने फिल्म में ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years और 5 years तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे. हम छोटी स्क्रीन देखते हैं कि बिलाल क्या कमाल एक्टिंग. हाँ जी मतलब 2016 तो अब ये है कि आगे भी बड़ी तरक्की हासिल करेंगे. We miss something. You said 2016, it sounded like 26 years. मैंने कह रहे हैं तो 26 हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज हमारा बीइंग अ सिटीजन भी एक फर्ज बनता है कि हमें अपने मुल्क की जो सिनेमा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको एम्पावर करने के लिए हमें भी जरूर सिनेमाघरों को वापस जाना पड़ेगा अपनी फिल्म देखने. बिल्कुल. ठीक है तो एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं कि वजीर आजम इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात हुई है. अब से कुछ देर पहले सानह आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस पर वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफ किया है और इस हवाले से भी बताया कि आपको तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से. जी बिल्कुल. इसी हवाले से मजीद तफसला जानेंगे हसन अयूब से. हसन इस मुलाकात के हवाले से मजीद बताइएगा. जी हमारे जराये ने इस बात को कंफर्म किया है कि वजीर आजम इमरान खान से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने मुलाकात की है और मुलाकात में जो आज की जो केस की समाअत है इसकी पेशकश से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया है. इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को जो सानिया APS के हवाले से जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है इससे मुतल्लिक भी ब्रीफ किया है कि वो रिपोर्ट क्या कहती है क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, तकरीबन 5000 सफात पर मुश्तमिल है. इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे भी मैं आपको आगाह कर दूं कि SSP सिक्योरिटी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का भी एक अहलकार जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. इसके साथ साथ पुलिस की जो है वो भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और उसके साथ साथ जो लिफ्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जो कार पार्किंग में जो गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं क्योंकि साइलिन वो अंदर जा चुके हैं तो उनको बुलाना जो है और वक्त जो है वो कलील है तो उसको नजर रखते हुए जो लिफ्टर के जरिए जो गाड़ियां हैं उनको रिमूव किया जा रहा है जो एंट्रेंस है गेट नंबर 1 के सामने से. तो इसके साथ साथ ये भी है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अभी ब्रीफ करेंगे और इस बात की तवक्कु की जा रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे क्योंकि अदालत ने तलब किया है और वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं. तो बजायर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो उनके साथ ही दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे क्योंकि जो ही केस में वक्फा हुआ तो तेजी से खालिद जावेद खान सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां उतरते हुए बाहर निकले और हमने देखा कि वो गाड़ी में बैठकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ रवाना हो गए थे. तो अब से कुछ देर बाद तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11:30 के करीब दोबारा जो है वो केस की समाअत शुरू होगी जिसमें तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को. अच्छा एक तो ये है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से हमने ये भी सुना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं, दूसरा ये है कि वहां से गाड़ियां वगैरह भी थोड़ा सा रिमूव की जा रही है ताकि स्पेस बन सके, तो इस हवाले से भी हमें जरा अपडेट कीजिएगा. जी बिल्कुल. अभी तो प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ के भी एक अहलकार जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. जैसे आपने बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात जो है वो सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनके बाद जो है SSP सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद के वो भी सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं. इस वक्त जो सीनियर अफसरान हैं पुलिस के, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हैं चाहे वो ऑपरेशन पुलिस के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में जो है वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो इजाफी नफरी है वो भी तलब की गई है क्योंकि जो रूटीन में जो यहाँ पर पुलिस एहलकार होते हैं तकरीबन 40 के करीब होते हैं
या 50 के करीब होते हैं, लेकिन इससे खासी ज्यादा जो इजाफी नफरी है वो भी आ चुकी है। रोड के हवाले से भी हम देखें, जो मेन एंट्रेंस का जो मेन रोड है, तो वहां पर भी अब सायरन वाली गाड़ियां जो है वो चलना शुरू हो पड़ी हैं और रोड को खाली कराया जा रहा है, किसी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा रहा। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी देर में, यानी 15 से 20 मिनट में इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे और ये बता रहे थे कि जो सूरत हाल अभी लग रही है उसे लग रहा है कि 15-20 मिनट में वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ सकते हैं। बिल्कुल जी, और बड़ा अहम पेशरफ्त है और जाहिर है कि कानून की मुल्क में हुक्मरानी होनी चाहिए और इसी के पेश नज़र जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफ्तार किया अटॉर्नी जनरल से, फिर उसके बाद फैसले के हवाले से पूछा गया, फिर अब वज़ीर आज़म साहब को तलब किया गया है ताकि उनसे बात की जा सके और वज़ीर आज़म साहब ने फिर उसके बाद ये फैसला किया कि वो जाएंगे और अस खुद वहाँ पर जाके अपना मौकफ़ पेश करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। और इस हवाले से जो जो अपडेट्स होंगी आप एयरवा न्यूज़ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त देने का, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक ज़राए से मुसद्दका खबरों, तज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।